मित्रों, मेरे दोस्तों, आज मैं तुम्हें पाठ क्रमांक 1.6 का उत्तरार्ध बताने वाला हूँ। तो पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, पिछले वक्त पिछले तासिका में हमने देखा था मेरा अहोभाग्य, इस पाठ में लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार इन्होंने कवि रविंद्रनाथ टैगोर इनके साथ मुलाकात करने का सोच लिया था, और जो साहित्य उन्होंने लिखा था तो उस पर चर्चा करने के लिए वो शांति निकेतन गए थे। तो अभी आगे देखो पाठ में क्या बताया है। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। लेखक कहते हैं वो संस्मरण बता रहे हैं। संस्मरण, संस्मरण का मतलब क्या है बोलो बताओ? संस्मरण यानी क्या? स्मरणीय घटना। तो स्मरणीय घटना के बारे में वो बता रहे हैं और कहते हैं कि मध्याह्न के बाद, दोपहर के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा, देखो गुरुदेव की धारणा थी, विचार गुरुदेव को ऐसा लगा कि 2-4 ही लोग हमें मिलने के लिए आए होंगे, चर्चा करने के लिए आए होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो वो जो साहित्यिक दल जो था, तो उस दल ने कुल 14 लोग साथ आए थे, और 14 लोग देखने के बाद गुरुदेव ने मजाक में उन्होंने कहा, देखो अभी गुरुदेव भी उनके साथ मजाक कर रहे हैं, और उन्होंने कहा अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। देखो वो बाद में क्या बोल रहे थे, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ, फिर बाद में बातचीत शुरू हो गई। अभी देखो गुरुदेव हमारे साथ क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, इसके बारे में अभी बताया है संस्मरण में लेखक ने। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है, ग्रामीण जीवन के संसर्ग यानी संगति का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी, यानी उस वक्त 50 साल पहले ये जो लेखन किया था, कहानियां लिखना शुरू कर दिया था गुरुदेव ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने, तो वे कहते हैं कि उस वक्त इतने साहित्यिक नहीं थे, और उसके पहले कोई इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। मनोवृत्ति का मतलब है विचार। तो कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति यानी विचार के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, यानी अच्छा लग सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। तो इस तरीके से गुरुदेव उनको समझा रहे थे, साहित्यिक दल को। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, कौन कह रहा है? तो लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार कहते हैं, और क्या कहते हैं देखो अभी, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? प्रश्न चिन्ह आया है। देखो काबुली वाला
एक बहुत पुरानी, एक बहुत ही उसे हम कहेंगे प्रसिद्ध ऐसी कहानी, काबुलीवाला। इस कहानी में आपका विचार कैसे आया, ये लेखक ने रविंद्रनाथ ठाकुर से कहा। तो काबुलीवाला, ये क्या मैंने कहा, ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी ये कहानी है। ये लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। कल्पना की सृष्टि यानी कल्पना श्रेष्ठ है, संसार है, कल्पना का संसार, सृष्टि का मतलब संसार बताया है। एक काबुलीवाला था, वह हमारे यहां आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा, और इसी तरह वार्तालाप होता रहा, बातचीत होती रही। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था, मन के लिए खुराक था। मानसिक खाद्य का मतलब है मन के लिए खुराक, यानी वैचारिक, जैसे उसे बोलते हैं चर्चा, पर यह चर्चा कैसी है, वैचारिक चर्चा थी। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूं, तब मेरी वो बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। देखो दोस्तों मित्रों, तो इस कहानी में किस तरीके से साहित्य चर्चा हो रही है, और उस पर स्वयं गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूं, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। देखो कितना बड़प्पन है, इतने बहुत मशहूर, इतने विश्व के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी, ये स्वयं आए हुए साहित्यिक लोगों को बता रहे हैं। और ये सभी, पहले तो क्या हुआ था, डॉक्टर जी ने कहा था कि केवल 15 मिनट ही तुम्हें बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए मिलेंगे, पर 15 मिनट से ज्यादा यानी 40 मिनट हो गए और यहाँ तक उनकी चर्चा चली। अलग अलग साहित्य विषय पर, अलग अलग कवि, कविताएं, लेखन, कहानी, इस पर चर्चा चली थी। आगे देखो, हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। अतिथि गृह यानी क्या, अतिथि भवन में मैं वापस आ गया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। असाधारण यानी अजीब, यानी गुरुदेव के साथ हम क्या कर रहे थे, वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे थे, तो उनके साथ एक असाधारण अजीब, असाधारण यानी अजीब ऐसा उल्लास की अनुभूति हो रही थी, यानी स्व अनुभव हो रहा था। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। देखो कितना भाग्यशाली लेखक खुद को कहते हैं कि मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था, उसी कमरे में काफी समय तक गुरुदेव रह चुके थे। तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। खुशियों का ठिकाना न रहना, इसका मतलब है अत्यंत मैं प्रसन्न हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। ये एक मुहावरा है, खुशियों का ठिकाना न रहना। और फिर कहते हैं बीच में ही, ओहो, मुझे तो ये भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। देखो लेखक क्या कहता है, अभी लेखक कहते हैं कि मुझे तो ये भी बताया गया, क्या बताया गया, कि गुरुदेव ने उसी कमरे में
गीतांजलि का अधिकांश भाग इस कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। गीतांजलि यानी एक बहुत ही गीतों की अंजलि, यानी उसे शब्द गीत भी कहते हैं और गीतों का उपहार भी कहते हैं। तो ये सब कविताओं की रचना उस कमरे में की थी, बरामदे में। बरामदा यानी क्या, वरंडा, वरंडा कहते हैं हम उसे। तो उसमें बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा, भाव विभोर हो उठा, ये भी एक मुहावरा आया है यहाँ पर। भाव विभोर हो उठना यानी क्या, भावुक हो जाना। तो मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा, क्या यह सच है, सवाल करता है वो, क्या यह सच है, मेरा अहोभाग्य था, मेरा सौभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना हुई थी या गीतांजलि रची गई थी। तो देखो वे कहते हैं कि मैं इतना भाग्यवान हूँ, मैं इतना, मेरा सौभाग्य है, मैं जिस कमरे में ठहरा था उसी में, उसी कमरे में नोबल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार कहते हैं कि मुझे कौन कौन सा अनुभव वहाँ पर आया और मैं कितना भाग्यशाली हूँ और खुद को मैं बहुत ही, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर जिस कमरे में मैं रहा था उसी कमरे में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपना गीतांजलि रची हुई थी और उनको उस वक्त नोबल पुरस्कार मिला था। तो नोबल पुरस्कार, जैसे कि नोबल पुरस्कार का मतलब ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक थे उनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, उनकी याद में वर्ष 1901 से ये नोबल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। यह जो नोबल पुरस्कार है यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इस सभी क्षेत्र के विश्व का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो ऐसे लोगों को ही ये पुरस्कार मिलता था। तो इस तरीके से यहाँ पर 1913 में गीतांजलि के इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी को साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार ये बहुत ही ऐसा लेखक का सौभाग्य था कि उनका साहित्य दल वहाँ पर गया और संस्मरण में उन्होंने बताया कि मेरा जो घटना घटी थी उसका उन्होंने याद करके हमें बताया है कि किस तरीके से मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर इतनी महान हस्ती से मैं मिला। तो देखो अभी प्यारे बच्चों, अभी इस पर आधारित मैं कुछ तुम्हें सवाल करता हूँ, तो सुनो। संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? संस्मरण, संस्मरण का मतलब क्या बताया था तुम्हें, बताओ। संस्मरण यानी क्या, स्मरणीय घटना। संस्मरण का मतलब है स्मरणीय घटना। तो संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। अभी दूसरा सवाल है, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? देखो सभी प्यारे दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अच्छे ढंग से सुनना है और ये सभी सवालों के जवाब अपने वर्ग पाठ की कॉपी में लिखना है और दो बार ये पाठ पढ़ना है। आगे देखो, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? तो देखो, लेखक जिस कमरे में रुके थे इस कमरे के बरामदे में बैठकर गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था, इसलिए लेखक आनंद विभोर हो गए थे। समझ में आई बात?
ठीक है चलो आगे। शांति निकेतन में होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाला था? तो देखो उत्तर, शांति निकेतन में होने वाले कार्यक्रम का अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर करने वाले थे। अगला सवाल, हिंदी वालों के दल को कहां ठहराया गया था? हिंदी वालों को दल को शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया था। अगला सवाल है, हिंदी वालों का अतिथि भवन कहां था? हिंदी वालों का अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया था, जैसे कि हमने पहले भाग में इसके बारे में चर्चा की थी और तुम्हें बताया था मैंने कि किस तरीके से वहां पर माहौल शांति निकेतन, ये जो बहुत ही बड़ा आश्रम था जहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार की साहित्य वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत से अलग अलग लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो ऐसे शांति निकेतन का माहौल बहुत ही सुंदर था और उसमें किस तरीके से अशोक वृक्ष के घने पेड़ थे, तो ये सब उसमें बताए थे और इसीलिए ये सवाल आपको किया है, हिंदी वालों के दल को कहाँ ठहराया गया था? तो हिंदी वालों के दल को शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया था। और दूसरा उसी का दूसरा एक सवाल है, हिंदी वालों का अतिथि भवन कहाँ था? तो जो अभी मैंने बताया वही उसका सवाल का जवाब है, हिंदी वालों का अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। 14 जनों को देखकर रविंद्रनाथ जी ने क्या कहा? देखो मजाक में क्या कहा, देखो 14 जनों को देखकर रविंद्रनाथ जी ने मजाक में कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है, इस प्रकार उन्होंने कहा। डॉक्टर ने लोगों को कितना समय दिया था? डॉक्टर ने पहले इन सभी मिलने वाले लोगों को 15 मिनट का समय दिया था। भेंट के दरमियान किसके बारे में चर्चा हुई? भेंट के दरमियान में कहानियों के बारे में चर्चा हुई। गुरुदेव को कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सवाल मैंने किया, क्योंकि आप भी मैंने 1-2 मिनट पहले ही बताया था पढ़ाते वक्त। हाँ बराबर है, गुरुदेव को गीतांजलि इस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बच्चों ये जो पाठ आप सभी ने गौर से सुना, पढ़ा, देखा, इस पर जो सवालों के जवाब मैंने आपको बताए, इसी प्रकार हम खुद सवाल भी कर सकते हैं और किताब में देखकर जवाब भी लिख सकते हैं। तो सभी मेरे प्यारे छात्रों को, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करो और PVM YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।